कर दो उधर, भाई को कर दो। सो आद्या बहुत देर से इसके साथ खेल रही थी। इसका नाम है, क्या नाम है आपका, आपका नाम क्या है? ओ क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार, सिक्स क्लास में पढ़ते हैं। चलो बाय। स्टिल शी इज मिसिंग भाई। सो दैट्स माई लंच फॉर टुडे। आलू गोभी की सब्जी, रोटी, दाल, चावल और मेरा फेवरेट बथुए का रायता। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास। सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने लगाया है ये न्यू फाउंडेशन जो मैंने खरीदा वन बाय वन स्कीम में। एंड आप मानोगे नहीं, मुझे एक सीरम प्लस ये फाउंडेशन दोनों मिला के कुछ 918 रुपीज़ का पड़ा और मैंने 920 रुपीज़ दिए, पता है कुरियर वाले को। सो 920 में मुझे दो अच्छी की पाई थी चीज़ें मिली। एंड ये सीरम में ना SPF 40, ये फाउंडेशन में ना SPF 40 PA++ है, 2% नाइसिनमाइड है। तो भैया आप देखो इतना सारी चीज़ें एक फाउंडेशन में। बस मैंने ना आज इसलिए लगाया इसको कि आज मैं क्योंकि टेस्ट करना चाहती हूँ ये कि कितना लॉन्ग लास्टिंग ये है। सो एक तरह से आंखें खोलने वाला वीडियो भी हो जाएगा ये, प्लस ब्लॉगिंग भी हो जाएगी। इसकी रील मैंने बना ली है तो जल्दी से अपलोड भी कर दूंगी। सो थोड़ा सा ना हल्का सा स्टिकी लग रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, पर मुझे सिर्फ ये वाला जो एरिया ना अंडर है, ये वाला एरिया को ना मैंने सेट किया है बनाना पाउडर से, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैंने हाँ डबल लेयर लगाई है, वो रील में आपको दिख जाएगा, थोड़ा सा चिपचिपा लग रहा था, बाल चिपक रहे थे, हल्का सा लग रहा है, ज़्यादा नहीं। हो सकता है थोड़ी देर में सेट हो जाए, वैसे करे हुए तो मेरे को 5 मिनट हो गए हैं इसको मेकअप लगाए हुए। बट मैंने सुना ये वाटर भी आया था ना, मैंने चेक किया था कि ये वाटरप्रूफ है कि नहीं, तो मैंने लगा के ना इसके ऊपर पानी डाल के देखा, NSS से डैब किया, तो ये मुझे तो वाटरप्रूफ लगा। देखते हैं 9-10 बजे तक इसको लगा के रखूंगी, फिर देखूंगी क्या हाल होता है। तो अभी तो 5 बज रहे हैं। आद्या के पापा चाहते थे कि आद्या के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेके आओ, और उसके नाना भी यही चाहते थे, तो उसके नाना कह रहे हैं कि लेट्स गो फॉर शॉपिंग। और है रिलायंस में अच्छी अच्छी डील्स हैं। एंड मैंने ऑनलाइन भी चेक किया था, रिलायंस के जितने भी ब्रांड्स हैं उन पर काफ़ी अच्छी डील है। तो सामने से देखते हैं क्या डील मिल रही है, कितना अच्छे ऑफर्स हैं। आई एम श्योर आप लोगों, आप में से भी काफ़ी लोगों ने शॉपिंग की होगी रिलायंस से, और नहीं किया तो जाके आप कर लो। बाकी हमारा जो मुंबई में घर के पास का रिलायंस है ना, उसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मुझे नहीं लगते हैं। बाकी यहाँ जो रिलायंस में हम जाते हैं ना, बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं, बहुत अच्छा शोरूम है वो। सो लेट्स गो, चलो चलते हैं। रिलायंस मॉल, लेट्स गो नूनू, ये नानू को देख रही है, गोदी में लेने आएंगे नानू। हम रिलायंस आए हैं, चलो देखते हैं यहाँ पे कुछ अच्छा मिलता है कि नहीं। नानू लेसेस बांध रहे हैं। मम्मी मैंने एक ही रोटी और थोड़े चावल खाए थे। क्यों खाए? भूख लग रही है, मम्मी लड़ रही है, तू खाना खाती नहीं है घर में ठीक से। आज तो मैं बाहर आई तो बाहर तो खाऊंगी। और गाड़ी में बिठा दिया तो उसी के लिए रोएगी, वापस आते टाइम आ जा। पापा को देख रही है, पापा के लिए खड़ी है कि पापा आएंगे तो मैं जाऊंगी। देखो ज्वेलरी की शॉप भी है इधर। अच्छा अच्छा, 200 का 2 अच्छा है, डिजाइनिंग वाला।
ये सुंदर है डिजाइन, ये भी अच्छे हैं। क्या वैसे रहते हैं क्या ये, मतलब वाटर प्रूफ रहते हैं क्या? नहीं, वाटर में जाएगा तो काला हो जाएगा। और ये वाले, ये 100 की दो है, 150 के दो। अच्छा, अलग अलग है। अच्छा, चलिए अब अंदर चलते हैं और हमें ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ पे है लेडीज एथनिक सेक्शन। चलो चलो चलो, पापा ये आई नहीं रही थी, बोल रही है कि पापा आएंगे तब, मतलब मम्मा पापा, नो नो, मुझे बोल रही है मम्मा पापा। ना का सेक्शन, क्यूट क्यूट जैकेट्स। नहीं जैकेट नहीं बोलूंगी, टॉप। और ये पापा दिखा रही है, देखना। हाँ, एक साल बड़ा का देखना। ये क्या, एक ही पैर नहीं तो हो जाएगा काम। नहीं जैकेट तो है, जैकेट है। हाँ, यहाँ से देखो आप निकल रहे हैं थोड़ा सा, मे बी प्राइमर के साथ टिक जाए। हमारे हो गया ना। आ गया, बात है पापा, जितना आपने बोला मम्मी ने उसमें कम ही कर डाला, वो भी हमारा भी आ गया उसमें। सामान नहीं लेना यार पापा। चलो गोदी लो पापा, चाट में था बेबी था। अच्छा बेबी, चलो। हाँ चलो उधर चलो, बंदर की तरह करेंगे। अभी हमने शॉपिंग किया है रिलायंस, अभी भी मेरा फाउंडेशन टिका हुआ है। अभी हमने शॉपिंग किया है रिलायंस ये वाले ग्रॉसरीज वाले से, तो अभी हम सामान ले रहे हैं, बिलिंग हो रही है, फिर हम जाएंगे कुछ। मुझे तो पानी पूरी खानी है, पता नहीं पापा खिलाएंगे कि नहीं। तो क्या मुझे पानी पूरी खाने के लिए मिलेगी? पानी पूरी खानी है, पानी पूरी खिला दो पापा। पानी पूरी है कहीं तो होगा रास्ते में। नो, खोलो जल्दी। अभी हम आए रवि शुक्ला अंकल जो पापा के फ्रेंड हैं उनके घर से मिले, और पापा उनके लिए पता है अंडे लेके आए। मीनू ना मुझे आवाज दी जा रही है, मम्मा मम्मा, ये पहचानती है इस घर को। अच्छा सुनाई दी ना, चलो बेटा अंदर अंदर चलो। आद्य बहन चढ़ना भी नहीं आता, चढ़ना भी नहीं आता। आद्य बहन है, कितने दिन, डेढ़ साल। आद्य बहन कहाँ जा रहा है? नमस्ते करो, नमस्ते करो अंकल को, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वेरी गुड, ये लो पानी मम्मा के पास है। ओ कहाँ घूम गया ये? अब अभी यहाँ के फेमस छोले भटूरे खाने का प्लान बना था, हम वही खाने आए हैं, दिल्ली छोले भटूरे। अब दिखाती हूँ आपको, है छोटू सी जगह है, छोटे 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 छोले कुलचे, सॉरी छोले कुलचे खाने आए हैं दिल्ली के। शायद इनके शेफ अपने साइड के हैं, तो एग्जैक्टली वही फ्लेवर मिलता है। मैं आपको दिखाती हूँ, छोटू सी जगह है ये, देखो दिल्ली का मशहूर छोला, गुजराती में लिखा है, और जगह बिल्कुल भरा रहता है, जगह नहीं मिलती यहाँ पे। खुशबू मस्त आ रही है, हमें बहुत मुश्किल से सीट मिली आम के पेड़ के नीचे, हमें मिली है जगह। बेबी माय बेबी, देखो आम के पेड़ के नीचे जगह मिली हमें। खुशबू है ना, उसको सूंघ के ना मुझे ना सब बहुत और ज्यादा भूख लग रही है। बाकी मेरा मेकअप अभी तक टिका हुआ है, सिर्फ यहाँ से निकला है। बिगाड़ी सब अनियन चार, ये मसाला वाले हैं। हाँ ये मसाला,
उधर बैठा ना। अच्छा खोलना पापा क्या है अंदर, दिखाओ जरा क्या है अंदर। अरे यही है प्याज और अचार है क्या? टमाटर, तो ये मसाला वाला कुलचा है। मैं शुरू कर लूं? तो ये बटर वाला प्लेन और ये बटर वाले छोले और मेरे नीचे मच्छर काट रहे हैं बहुत। मसाला वाला बहुत तीखा है, बटर वाला सही है, मसाला वाला ज्यादा तीखा है तो मुझे ये बटर वाला पसंद है। ये प्लेन ही पड़े सारे। चलो सबको बाय कर रही है, खाने वालों को सबको। हाँ ये कर दूंगा देखो बेबी, देखो बेबी यू गाइस वांट टू ट्राई। मैं आपको लोकेशन बता रही हूँ, तो वही वडोदरा सेंट्रल मॉल है ये, और इसके एग्जैक्ट पीछे है ये। आंटी तो आओ तुम, आप आओ अंकल को लेके घर, ठीक है? ओके अंकल बाय, घर आओ आप, ठीक है? आप मुझे लगा कह रही हो पीछे बैठूंगी मैं, मतलब आप। तो हम घर आ गए हैं, मम्मी तो बहुत दूर से चल के आ रही है। ये बैग है ना, बैग है तो चलो मैं बताती हूँ आपको क्या क्या शॉपिंग की आद्या की। लुक एट माई फाउंडेशन, रुको वेट, सो लुक एट माई फाउंडेशन, इट्स स्टिल ऑन। थोड़ा सा आई थिंक टी जोन से थोड़ा सा यहाँ से शायद हटा होगा, ये तो सिर्फ मेरा बॉबी ब्राउन है जो यहाँ से नहीं हटता, बाकी सब हट जाते हैं, और यहाँ से पूरा हट गया है, बाकी ये सब सही है। और लिपस्टिक भी थोड़ी सी फेड हुई है क्योंकि हमने छोले कुलचे खाए हैं, एंड अभी टिश्यू से टचअप करके देखते हैं कि कितना निकल। तो सामान रह गया है कार में तो मैं निकालने आई हूँ, ये रहा। चलो ये एक और स्वेटर, कपड़े रखने जा रही हूँ कबर्ड के अंदर। अब लेकिन अभी किचन का बाकी है, किचन का जो सामान हम ग्रोसरीज का लाए थे वो तो बाकी है, वो लेने जाना है, तो वो मैं कार से निकाल के ला रही हूँ, फिर अंदर किचन में ले जा रही हूँ। तो मैंने कर लिए कपड़े चेंज, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है क्योंकि अब बज रहे 12:15 और मैंने मेकअप अभी तक नहीं उतारा क्योंकि मैं टेस्ट करना चाहती थी कि ये मेकअप कितना टिकता है। तो आप देखो ऑलमोस्ट फेड तो हो गया ये इस एरिया से, एंड हल्का हल्का इधर से हो गया है, आप देख पा रहे होंगे कि फोरहेड से और थोड़ा सा ये एरिया से हट गया है, और लिपस्टिक तो पूरी तरह चली गई है। सो मैं मेकअप उतार के अब सो जाऊंगी और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल, जय माता दी, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।